ब्लॉग आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों एक्चुअली में मैं आया हुआ हूँ थोड़ा सा खेत तरफ, तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये क्या है, बहुत बड़ी सी लग्गी है। हैं तो दोस्तों मैं किस लिए आया हूँ ये बड़ी सी लग्गी लेके, आप लोग खुद ही देख के समझ जाएंगे कि मैं किस लिए आया हूँ। तो एक्चुअली में दोस्तों आज मैं आया हूँ आंवला तोड़ने, तो आंवला तोड़ूंगा आज, देन उसके बाद क्या है ना थोड़ा सा अचार बनवाना है। तो दोस्तों इसलिए मैं आया हूँ। एक्चुअली मैं आज निकल क्या है कि सोच रहा था कि आंवला रख लेता, तो अभी मैं खेत पे आ गया हूँ। एक्चुअली में हमारे आंवले में तो अभी फल ही नहीं है, क्या है कि उसमें फल ही नहीं आ रहे, उस पर मैंने कलम तो बांधा है बट अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा सा उसमें नया आ जाए शाखा तभी हो सकता है देन। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं खेतों पे खड़ा हूँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं है ना, अपने खेत के पास खड़ा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा आंवले का पेड़, डंडा से गिराऊंगा इसको पीट पीट के लग्गी से, उसके बाद इसको सबको भर के ले जाऊंगा, पॉलीथीन लेके आया हूँ, देन इसको ले जाऊंगा तो बढ़िया अचार रखूंगा इसका, ताकि खाने में मज़ा आए। क्या है ना कि अचार खाने में बहुत मज़ा आता है आंवले का। तो दोस्तों अब इसको मैं पीटूंगा, एक्चुअली में कोई है नहीं चढ़ने लायक तो है नहीं उस पर, देन देख सकते हैं क्या होता है ना कि इसकी डरैया कमज़ोर होती है, जिस वजह से इसमें चढ़ना खतरनाक हो सकता है। इस वजह से मैं सिर्फ डंडे से पीटूंगा उसको, जहाँ तक मेरी पहुँचेगी लग्गी वहाँ से मैं आंवला तोड़ूंगा, देन उसके बाद भरूंगा और इसको मैं उबलवाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही रखूंगा मैं अचार। उबला वाला क्या होता है बहुत ज़्यादा गल जाता है ना तेल जब मिक्स करते हैं अपन उसमें। तो ये रहा आंवले का पेड़, दिख रहा आपको है ना कितने सारे फल लगे हैं इस पर। तो आज मैं आंवला तोड़ूंगा, देन इसलिए लग्गी लेके आया हूँ, क्या है कि वहाँ चढ़ नहीं सकते ना, इसलिए लग्गी उसको गिराएंगे अभी, देन इसको मफ्ता अचार रखवाएंगे ले जाके। हालांकि बहुत सारे यहाँ पड़े हुए हैं, एक देख सकते हैं इतना ज़्यादा फरा है कि कोई खाने वाला नहीं, लेकिन मैं पड़ा हुआ नहीं लूँगा, एक देख सकते हैं आप लोग है ना, पूरे यहाँ जहाँ देखेंगे वही आंवला पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ताज़ा फ्रेश आंवला तोड़ूंगा। ये भी लग्गी के साथ ही देख सकते हैं, लग्गी लाया हुआ हूँ मैं, कोई है भी नहीं तो मैं ही आंवला तोड़ूंगा। तो शायद है कि पूरी वीडियो ना बन पाए, बट आप लोगों को मैं दिखाऊँ कुछ ना कुछ तरीका अपनाऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे आंवला तोड़ता हूँ। देन अभी आप देखेंगे वो सामने जो मेरा है ना वो आंवला है, मैंने उसको काट दिया, एक्चुअली में फरता नहीं है, बहुत दिन से लगाया हुआ है, मेरा ही लगाया है लेकिन कभी फरा नहीं वो, तो मैंने उसको कलम बांधा है अपने से। देखो नई डरैया आ जाए तो थोड़ा सा फरने लगे, हालांकि पेड़ बस खड़ा है इसलिए मैंने उसको खूथा कर दिया। तो ये तो फिलहाल बाबू का आंवला है, तो इसको तोड़ूंगा, वो वाला मेरा है। साले आंवले हमने गिरा लिए, थक गया यार, उठा उठा के देख लीजिए सारे गिरा लिए हमने मार मार के, देन इसको अभी भर लूंगा सब और बढ़िया अचार एक नंबर का बनवाऊंगा। हाँ थक गया यार, काम ना करो तो बहुत जल्दी थकान लगती है, बहुत ऊपर हो गए यार आंवले, वहां तो मिल नहीं रहे।